वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे बटन्स की, ठीक है। ठीक, इंटरव्यू में बटन हम कैसे बनाते हैं। एक सिंपल बटन, नॉर्मल बटन होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद रेडियो बटन बनते हैं, चेक बॉक्स बटन और मेन्यू बटन, राइट। तो ये बटन कैसे हम बनाते हैं, अपनी टिकंडर की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसको देखते हैं, राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप करें फ्रॉम शायद ये अभी रन हुआ है, इसलिए इसको फ्रॉम टिकंडर इंपोर्ट एस्टेरिक, और आप सबसे पहले आपकी रूट की विंडो बना लें, इक्वल टू ठीक, और रूट डॉट इसकी ज्योमेट्री सेट कर लें आप 400x300, ठीक है। आपने इसकी ज्योमेट्री सेट कर ली, फिर आप एक फ्रेम बना लें। हम लोग एक फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम इज इक्वल टू फ्रेम बना लिया। इसको कहाँ हमने डालना है फ्रेम को, आपने फ्रेम को डालना है रूट में, राइट। फ्रेम को आपने डाल दिया रूट में, ठीक है। और इसकी आप इसको क्या कर दें, इसकी बॉर्डर विड्थ आप कर दें इसकी 6 कर दें, और हाइलाइटेड बैकग्राउंड आप इसका कर दें ब्लू, और हाइलाइटेड थिकनेस इसकी आप कर दें 2, ठीक है। और उसके बाद कर दें, आपने फ्रेम बना दिया, राइट। और इसको आप क्या करेंगे, अब फ्रेम को अब आप करेंगे फ्रेम डॉट पैक, और पैक कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आप डायरेक्ट पैक कर दें, इसको बाद में हम सेट करेंगे। रूट डॉट मेन लूप, इसको रन करके देखें कि कैसा बन रहा है हमारा फ्रेम। ये मेन विंडो खुली हुई है, इसको हमने क्या करना है, इसको करंट विंडो लेना है, राइट। तो आपका फ्रेम कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, हमारा फ्रेम ऐसा बन गया। अब सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले एक बटन बनाते हैं। बटन 1 इज इक्वल टू बटन, राइट। इसको कहाँ डालना है, इसको हमने फ्रेम में डालना है, राइट। इसको हमने डालना है अपने फ्रेम में, राइट। फोरग्राउंड कर दें रेड, और इसका टेक्स्ट कर दें क्लिक मी, राइट। बटन 1 बना लिया आपने, और ठीक है। और इसके बाद आप एक 3 बटन बना लें, ठीक है, और इसको आप पैक कर दें। बटन 1 डॉट पैक, थोड़ा सा स्लो हो गया मेरा पीसी। बटन 2 डॉट पैक, और बटन 3 डॉट पैक, इसको आप कर दें बटन 2 एंड दिस वन बटन 3, ठीक है। अब आप रन करें इसको, तो बटन कुछ ऐसे आ रहे हैं आपके। तो हम चाह रहे हैं साइड बाय साइड आ जाए, ठीक है ना। तो साइड इज इक्वल टू लेफ्ट, तो आपकी साइड आ गई, साइड आ गई, ठीक है। और अगर आप इसको रेड एक्स 20 कर दें, सबको, तो ठीक है।
अच्छा आपका इसकी पैडिंग है, राइट। तो आपके बटन आ गए इसके, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हम करते हैं इस पे कमांड इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। अब हेलो का एक आप फंक्शन बना ले, डेफ हेलो, ठीक है, प्रिंट हुरे यू क्लिक्ड मी, ठीक। ये आपका एक फंक्शन आ जाएगा हुरे का, ठीक है, इस कमांड पे। और इस पे आप इसको कर दें क्लोज, क्लोज मी। और यहाँ पे इसको आप कमांड दे दें डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं रूट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। हम इसको देखते हैं, कमांड इज इक्वल टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये फंक्शन की कॉल नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको क्लिक करें, ये देखें हो रहा है यू क्लिक्ड मी, ठीक है। आप दोबारा क्लिक करें क्लिक में, इस पर हमने कोई कमांड नहीं दिया, आप इसको क्लोज करें तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल बटन था, सिंपल बटन में हमने क्या किया, हमने ज्योमेट्री से उसके कोऑर्डिनेट सेट किए, एक फ्रेम बनाया, ठीक है। उस फ्रेम के हमने हाईलाइटेड बैकग्राउंड और हाईलाइटेड थिकनेस इसकी सेट की, ये नए एट्रीब्यूट है जो पहली दफ़ा हम पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर से मैंने आपको नहीं बताया था। उसके बाद हमने एक बटन बनाया, ठीक है, बटन का फ्रेम में हम इस फ्रेम में दिया, फोरग्राउंड कलर रेड दिया, टेक्स्ट इसको क्लिक में दिया, और कमांड पे, कमांड ये क्या है, एक हेलो, हेलो फंक्शन पे जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन की कॉल नहीं है, यहाँ पे फंक्शन पैरेंथेसिस में नहीं दिया मैंने, सिर्फ हेलो लिखा कि ये फंक्शन है, ठीक है। और ये जैसे फंक्शन पे जाएगा आपका हेलो फंक्शन कॉल हो जाएगा आपका, और वो प्रिंट कर देगा, राइट। और बटन टू पे क्या हमने क्या किया, हमने इस रूट विंडो को डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। और थर्ड बटन पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, और उस पर हमने इस बटन को पैक कर दिया, राइट। तो ये तो सिंपल बटन। तो अब हम बात करते हैं रेडियो बटन की, ठीक है। रेडियो बटन तक कोड हमारा यहाँ तक सेम होगा, ठीक है। हमने ज्योमेट्री बना ली, ये भी बना लिया, उसके बाद हम रूट डार्ट इसको हम टाइटल दे देते हैं, रूट डॉट टाइटल क्या है आपका, रेडियो बटन्स, ठीक है। आपने इसका टाइटल दे दिया, और उसके बाद एक बनाएं आप, अच्छा एक होती है सिलेक्टेड चॉइस इज इक्वल टू स्ट्रिंग वार, ठीक है। स्ट्रिंग वार क्या करता है, एक्चुअली स्ट्रिंग वार आपके ना जो एसोसिएट वैल्यू होती है इनकी किसी भी विजेट्स की, ठीक है ना, उसको स्टोर करता है वो, ठीक है ना। ये क्लास एट कंटर में ये जिस भी विजेट्स की आपकी वैल्यू होती है, ठीक है ना, सिलेक्टेड चॉइस जो भी आप, जैसे आप रेडियो बटन बना रहे हैं, तीन बटन होंगे, जब आप उसको टिक करेंगे बटन 1 2 3, इसकी जो आपकी जो चॉइस है, इसकी जो वैल्यू है स्ट्रिंग में, वो यहाँ पर स्ट्रिंग बार में सेव हो जाएगी आपके वेरिएबल में, ठीक है। ये स्पेशल क्लास है जो हमें टिक कंटर प्रोवाइड करता है, राइट। तो उसके बाद ये कर लिया हमने, उसके बाद हमने एक लेबल सेट कर लें, लेबल इज इक्वल टू लेबल, और इसको कहाँ डालना है, इसको आप डाल दें रूट में डाल दें, हमने फ्रेम बनाया नहीं, फ्रेम भी बनाया तो इसको रूट में डाल दें, ठीक है। और इसका टेक्स्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिलेक्टेड चॉइस, राइट। हमने एक लेबल बना लिया, और इस हम लेबल को पैक कर रहे हैं, राइट। अब इसको आप रन करके देखें किस तरह की विंडो नज़र आ रही है, ठीक है, सिलेक्टर चॉइस ये आपकी पैक है,
उसके बाद हमने बनाने हैं रेडियो बटन, रेडियो बटन वन इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियो बटन राइट। इसको कहाँ डालना है, इसको रूट में डाल दें आप, ठीक है, इसको रूट में डालें। इसका टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन वन राइट, इसका टेक्स्ट ऑप्शन वन कर दिया, और इसका वेरिएबल इज इक्वल टू सिलेक्टेड चॉइस, ठीक है, ये सिलेक्टेड चॉइस के बराबर कर दिया, इसके वेरिएबल को हमने इस सिलेक्टेड चॉइस के बराबर कर दिया, ठीक है। और इसकी हम वैल्यू क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन वन राइट, वैल्यू इसकी हमने ऑप्शन वन दे दी राइट। और इसको भी आप पैक कर दें, इसको रन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप कॉपी पेस्ट करें और दो बटन और बना लें आप, इसको आप बटन टू कर दें, इसके भी बटन टू, इसकी ऑप्शन वैल्यू आप टू कर दें, इसकी भी टू कर, इसकी थ्री, ये भी आपकी थ्री हो जाएगी, दिस वन आपका टू हो जाएगा, और ये आपका थ्री हो जाएगा, ठीक है। और इन दो बटन को भी आप पैक कर दें, ठीक है। अब देखें तीन बटन आ गए, मगर देखो इसमें एक मसला है कि तीनों आपके टिक हैं, ठीक है ना, इसमें से कोई एक को होना चाहिए, जैसे अब इस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू, सेलेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू, इसके अंदर अगर हम पास करें इसको, हाँ ठीक है, हमने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन वन कर दिया हमने, ठीक है, ऑप्शन वन आप इसकी वैल्यू है राइट। तो ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना, एक आप बटन और बनाए नीचे, ठीक है, अपडेट बटन इज इक्वल टू बटन राइट, और इसको आप रूट में डाल दें, इसकी टेक्स्ट इज इक्वल टू अपडेट चॉइस राइट, और इसको आप क्या दे दें, कमांड इज इक्वल टू अपडेट चॉइस, अपडेट लेबल कर ले हम इसको, ठीक है, अपडेट लेबल कर ले हम इसको। अब अपडेट लेबल का एक हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, अपडेट लेबल, और इस पर हम क्या करते हैं, लेबल डॉट कॉन्फिग, हम लेबल को कॉन्फिगर कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट इज इक्वल टू सिलेक्टेड चॉइस, और इसको क्या करेंगे, वार्ड सिलेक्टेड चॉइस में क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी सिलेक्टेड चॉइस डॉट गेट वैल्यू। तो ये क्या कर देगा, ये आपके लेबल को कॉन्फिग कर देगा, ठीक है ना, कॉन्फिग मतलब ये आपके, जैसे आपकी ये आप क्लिक करेंगे इस पर, तो जो भी आपकी सिलेक्टेड वैल्यू है, ठीक है ना, वो उसकी सिलेक्टेड चॉइस इस वेरिएबल की वैल्यू को वो अपडेट कर देगा आपके लेबल पर राइट। और ये सिलेक्टेड चॉइस कहाँ सेव हो रही है, ये आपके स्ट्रिंग इसमें सेव हो रही है राइट। तो ये आज का कोड था हमारा, चलें इसको हम रन कर दें, ओह सॉरी इसको हमने पैक तो किया ही नहीं, अपडेट बटन डॉट पैक, पैक करेंगे तो हमें नज़र आएगा ना स्क्रीन पर, ठीक है, ये देखें सिलेक्टेड चॉइस ऑप्शन वन, सिलेक्टेड चॉइस ऑप्शन टू, सिलेक्टेड चॉइस ऑप्शन थ्री राइट। तो अब यहाँ मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैंने तो बटन पे ये चॉइस ले रहा हूँ, आप
आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें ऑप्शन पे तो ये चॉइस चेंज हो जाए, राइट। तो जी आप इसका कोड कीजिएगा, कोड करके आप कमेंट्स में मुझे दें तो देखें किस 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 बंदे ने कितना कोड किया है, कुछ समझ में भी आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताइए मुझे, ठीक है। ये कोड आपने करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है, अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको ये कोड करके दूंगा, राइट। तो ये था हमारा रेडियो बटन, और अब हम बात करते हैं चेक बटन की, राइट। चेक बटन बिल्कुल सिंपल है, एक हम नई फाइल बना लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं और एक न्यू न्यू पाइथन और चेक बटन बना लिया, राइट। एक ये कोड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ये सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कोड में, ठीक है। तो हम पहले कोड देख लेते हैं कि पहले हम देख लें, ठीक है। चेक बटन इज चेक्ड, ठीक है, चेक बटन इज नॉट सिलेक्टेड, राइट। सिंपल क्या किया हमने, वही हमने काम किया अपनी, फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट किया हमने, एक टाइटल बना दिया रोड विंडो का, इनिट वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है ना। ये इंटीजर के लिए होता है, टू स्टोर द स्टेट ऑफ चेक बटन, ठीक है ना। चेक बटन की जो स्टेट है उसको ये सेव करता है, ठीक है ना। स्टेट मतलब ज़ीरो और वन, राइट। वन होगा तो चेक्ड होगा, ज़ीरो होगा तो अनचेक होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक बटन बनाया हमने, चेक बटन, चेक बटन, इसको रूट विंडो में डाला, टेक्स्ट है चेक और वेरिएबल इज इक्वल टू वार, एक वार वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू चेक अनचेक इसमें चली जाएगी, राइट। इसको हमने पैक कर दिया, राइट। पैक करने के बाद हमने क्या किया, हमने एक बटन बताया, शो बटन, बटन बनाया हमने सिंपल, और रूट में डाला उसको टेक्स्ट शो मी, और इस कमांड को हमने कर दिया शो स्टेट, ठीक है। शो स्टेट का हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। फंक्शन हमने क्या किया, हम इसकी स्टेट चेक कर रहे हैं, एक स्टेट कैसे चेक कर रहे हैं, स्टेट वार डॉट गेट, इस वेरिएबल की वैल्यू हम गेट कर रहे हैं, अगर ये वन है तो ये चेक्ड है, सिलेक्टेड है, और एल्स नॉट सिलेक्टेड है, राइट। तो एक सिंपल सा कोड था, आप देखें इसकी वैल्यू गेट करते हैं, शो करेंगे तो आपको वो बता देगा उसमें, बटन इज चेक्ड, ये करेंगे तो बटन इज नॉट चेक, राइट। तो ये सिंपल कोड था, बस इसमें ये वैल्यू हमने चेंज की थी, ये वैल्यू चेंज है, ठीक है ना, ये फंक्शन चेंज है, और ये जो वहाँ पे हम तो वैल्यू गेट कर रहे थे, यहाँ पे हम स्टेट ले रहे हैं, ठीक है ना, बटन की स्टेट ले रहे हैं, ज़ीरो और वन ले रहे हैं, और स्टेट ऐसे, स्टेट की वैल्यू ऐसे गेट की जाती है, स्टेट, ठीक, इस वेरिएबल की, ठीक है, वैल्यू गेट की है ज़ीरो और वन, राइट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।